डिस्कशन टॉपिक इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। आज हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वैसे सबको फ्लावर का पता है, बट फिर भी हम फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं आगे पढ़ने से पहले। तो आप यहाँ पे दो पिक्चर्स देख रहे हैं, एक ओरिजिनल फ्लावर की है और एक डायग्रामेटिक व्यू है। तो हम पहले डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं। यहाँ पे आपको देखिए फ्लावर में रिसेप्टिकल दिख रहा है, सेपल दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, कलरफुल जो होती हैं वो पेटल्स होती हैं। ये आपको स्टेमन दिख रहा है, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट होता है लॉन्ग और उसके ऊपर एंथर प्रेजेंट होते हैं। अब आपको यहाँ पे कार्पल दिख रहा है, कार्पल के भी तीन पार्ट होते हैं, सबसे नीचे वाला ओवरी, बीच में स्टाइल एंड सबसे ऊपर स्टिग्मा। आप यहाँ पे फ्लावर में देख सकते हैं कि देखिए सबसे नीचे जो है पेडेंकल प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बाद रिसेप्टिकल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको सेपल दिख रहा है, ये देखिए एक सिंगल को तो सेपल कहेंगे, लेकिन जब ये बहुत सारे होते हैं पूरे सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहेंगे। पेटल दिख रहे हैं, पेटल्स में आप एक सिंगल पेटल और सारे पेटल्स को क्या कहेंगे, कलेक्टिवली कोरोला कहेंगे। ये आपको देखिए स्टेमन दिख रहे हैं, यहाँ पे एंथर एंड फिलामेंट दिख रहे हैं आपको, ये हल्के लाइट कलर के फिलामेंट और इसके ऊपर ये येलो कलर के एंथर दिख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर आपको स्टाइल दिख रहा है और ये स्टाइल जो है वो ब्रांच हो गया है, और जो ऊपर आपको येलो कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये स्टिग्मा है। फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज जो हमें बात करनी है बेसिकली वो कार्पल के ऊपर हमारी बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। कार्पल क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। जो कार्पल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में। कार्पल जो है वो एक मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीफ है विद फोल्डेड मार्जिन्स। जो लाइन ऑफ फ्यूज़न है वो फॉर्म करता है वेंट्रल सूचर को, और मिडरिब फॉर्म करता है डॉर्सल सूचर को। जो कार्पल है वो कंसिस्ट होता है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा से। ओवरी क्या होता है? बेसल ओव्यूल बियरिंग स्वोलन पोर्शन। जो बेस में होता है स्वोलन पोर्शन, जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं वो ओवरी है। स्टाइल क्या होता है? ए नैरो कॉलमनर स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम ओवरी। जो कॉलमनर नैरो स्ट्रक्चर अराइज होता है ओवरी से वो स्टाइल है, देखिए स्टाइल है। स्टिग्मा क्या होता है? डिस्टल पोलन रिसेप्टिव पार्ट। ये जो डिस्टल पोलन रिसेप्टिव पार्ट है ये स्टिग्मा है। ओवरी इनक्लोज ए चैम्बर का लोक्यूल। ओवरी के अंदर चैम्बर्स होते हैं जिनको लोक्यूल्स कहते हैं। कार्पल मार्जिन्स फ्यूज्ड भी हो सकती हैं, फ्री भी हो सकती हैं। ये क्या होते हैं? फर्टाइल पोर्शन ऑन विच ओव्यूल बोर्न। कार्पल के जो मार्जिन है वहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये फ्यूज भी हो सकती हैं, फ्री भी हो सकती हैं। मार्जिन्स बिकम स्वोलन एंड कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस मास। जो मार्जिन्स हैं वो स्वोलन हो जाती हैं और सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस मास से फॉर्म होती हैं, उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। तो अगर प्लेसेंटा की डेफिनेशन आती है तो आपको ये लिखना है, मार्जिन्स ऑफ कार्पल बिकम स्वोलन एंड कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस मास कॉल्ड प्लेसेंटा। ये देखिए फ्लावर में आपको कार्पल दिख रहा है, यहाँ पे हाइलाइटेड व्यू दिखाया है। ये देखिए यहाँ पे आपको मार्जिन्स पे ओव्यूल दिख रहे हैं, ठीक है, लोक्यूल हैं, यहाँ पे मार्जिन्स पे आपको ओव्यूल दिख रहे हैं, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और यहाँ पे ऊपर स्टिग्मा है। इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं पेडिसल के यहाँ पे जो ओवल शेप में है ये ओवरी प्रेजेंट है। बाकी स्ट्रक्चर हमने रिमूव कर दिए हैं फ्लावर के, सिर्फ हम कार्पल को देख रहे हैं, ठीक है। पेडिसल हमने देखा था, पेडिसल के ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट थे। अभी देखिए ओवरी है, ठीक है, जो सर्कुलर पार्ट है, ओवुलर पार्ट है, अब उसमें एक लॉन्ग कॉलमनर पार्ट था वो स्टाइल, और ये स्टिग्मा। अगर हम अंदर से देखते हैं, एलस देखते हैं पिस्टिल का, तो हमें दिखेगा कि ये देखिए ओव्यूल प्रेजेंट है, प्लेसेंटा प्रेजेंट है, प्लेसेंटा के ऊपर क्या हो रहे हैं, ये पेरेन्काइमेटस मास है प्लेसेंटा, यहाँ पे देखिए ओव्यूल बॉर्न हो रहे हैं, और ये जो है ये चैम्बर्स हैं जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है जिसको लोक्यूल कहेंगे। ये स्टाइलर कैनाल है, स्टाइल के अंदर कैनाल है जहाँ से हमारा पोलन ट्यूब आएगी, और ये स्टिग्मेटिक सरफेस है। एक और पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टाइल प्रेजेंट है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल दिख रहा है,
ओवल में अंदर और भी ओवल के अंदर डायग्राम दिखाए हैं, आगे बात करनी है हमें, वैसे हम अभी भी बात कर सकते हैं। ओव्यूल में आपको देखिए न्यूसेलस दिख रहा है, पोलर न्यूक्लियाई दिख, एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं हम, दो पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, एग सेल दिख रहा है, एंटीबोडल और सिनर्जिड सेल दिख रहे हैं, ठीक है, और ये इंटीग्यूमेंट्स दिख रहे हैं। ये जो हैं एम्ब्रियो सैक की बात हम बाद में करेंगे, पर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो ओव्यूल ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये सिंगल जो हमारी पिस्टिल थी वो है, यहाँ पे हम कंपाउंड पिस्टिल की बात कर रहे हैं। ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, सबको पता चल गया है, ओवरी है। अगर ओवरी का हम सेक्शन काटते हैं ऐसे, तो अब हमें दिखेगा यहाँ पे सेक्शन काटने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। टीएस काटा है हमने, अब हमें जो सेक्शन दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है। ये लोक्यूल है, ठीक है, ये प्लेसेंटा, इसके ऊपर ओव्यूल लगे हुए हैं, देखिए ओव्यूल दिखा दिया है, और ये कंपाउंड है, मतलब दो ओवरी फ्यूज़ हो रही हैं, तो एक कार्पल और दूसरी कार्पल, दो कार्पल फ्यूज़ हो रही हैं, इसलिए इसको कंपाउंड पिस्टिल बोला है। तो यहाँ पे ओवरी वाल दिख रही हैं, ये फ्यूज़ हो गई हैं, और यहाँ पे दो कार्पल हैं। अब आप ये वाला एक कार्पल और ये वाला एक कार्पल, आप एक से ज़्यादा कार्पल हैं तो इसलिए इसको कंपाउंड बोला है। मेगा स्पोरेंजियम या अब ओव्यूल की बात करें, तो मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल इज़ द स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी वेयर मेगा स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस। ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल, ये ओवरी के इनसाइड है, अभी हमने देखा था, और यहाँ पे मेगा स्पोर की फॉर्मेशन होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल का, वो कंसिस्ट होता है फ्यूनिकल से, वो क्या होती है, स्टाक दैट अटैच ओव्यूल टू प्लेसेंटा, वो स्टाक जो ओव्यूल को अटैच करती है प्लेसेंटा से इस फेनिकल। हाइलम क्या होता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फेनिकल, जंक्शन जो प्रेजेंट होता है ओव्यूल एंड फेनिकल के बीच में, उसको हाइलम कहते हैं। इंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं, वन और मैनी प्रोटेक्टिव एनवलप अराउंड ओव्यूल, ओव्यूल के अराउंड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है उनको इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। माइक्रोपाइल, ए स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट के टिप पे जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। चलाजा क्या है, बेसल पार्ट है ओव्यूल का। न्यूसेलस क्या है, मास ऑफ सेल इनक्लोज विद इन इंटीग्यूमेंट यूज फॉर फूड स्टोरेज, मास ऑफ सेल है जो इनक्लोज है इंटीग्यूमेंट से और यूज किस लिए यूज़ होता है, फूड स्टोरेज के लिए। एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड इन न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है जो न्यूसेलस के अंदर लोकेटेड होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओव्यूल का डायग्राम, ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड है जहाँ पे स्मॉल ओपनिंग है, इंटीग्यूमेंट नहीं है, ये चलाजल एंड है, ठीक है, यहाँ पे आपको इंटीग्यूमेंट्स दिख रही हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए दो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई देख रहे हैं, सेंट्रल सेल है ये, ठीक है। यहाँ ऊपर आपको चलाजल एंड की साइड एंटीपोडल सेल दिख रहे हैं, माइक्रोपाइल की साइड दो सिनर्जिड और बीच में एग सेल दिख रहा है, ये हाइलम दिख रहा है, फनिकल दिख रहा है। तो ये बेसिक डायग्राम है ओव्यूल का, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, ये जो सर्कुलर फॉर्म में है ये एम्ब्रियो सैक है। न्यूसेलस की बात करते हैं, मास ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो एम्बेडेड होता है माइक्रोपाइलर एंड में न्यूसेलस के। न्यूसेलस में भी थिन सिंगल लेयर भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है। ओव्यूल पोजेसिंग थिन न्यूसेलस, जिसमें थिन होता है न्यूसेलस, उसको हम कहेंगे टैनी न्यूसिलेट, ये इसमें यूनिटेगमिक होता है, एक ही इंटीग्यूमेंट होता है। ओव्यूल पोजेसिंग थिक न्यूसेलस, जहाँ पे न्यूसेलस थिक होता है उसको कहेंगे क्रेसी न्यूसिलेट, और यहाँ पे दो इंटीग्यूमेंट होते हैं इसलिए इसको बाईटेगमिक कहेंगे। फंक्शंस की बात करें न्यूसेलस के, तो न्यूसेलस इज सीट फॉर फीमेल गैमेटोफाइट, सीट प्रोवाइड करता है ताकि फीमेल गैमेटोफाइट स्टे करे। इट इज़ न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इंटीग्यूमेंट्स की बात करें, तो न्यूसेलस जो है वो प्रोटेक्टेड बाय 1 to 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल इंटीग्यूमेंट, जो न्यूसेलस है वो एक या दो प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर होता है, उनको इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं, स्ट्रक्चर में हमने देखा था। चलाजा की बात करें, चलाजल की बात करें एंड की, तो बेसल पोर्शन ऑफ ओव्यूल फ्रॉम वेयर इंटीग्यूमेंट अराइज, जो ओव्यूल का बेसल पोर्शन है जहाँ से इंटीग्यूमेंट अराइज होते हैं उसको चलाजल एंड कहते हैं। ओव्यूल जिसमें एक इंटीग्यूमेंट होता है उसको यूनिटेगमिक कहेंगे, गैमोपेटली में प्रेजेंट होता है ये। ओव्यूल विद दो इंटीग्यूमेंट इज कॉल्ड बाईटेगमिक, अगर दो इंटीग्यूमेंट होंगे तो कॉल्ड बाईटेगमिक, बाई का मतलब दो, यूनि का मतलब एक, ये किस में प्रेजेंट होंगे, पॉलीपेटली में एंड मोनोकोटिलीडेंट्स में।
ओव्यूल विदाउट इंटिगुमेंट उसको कहेंगे एटैगमिक, मतलब इंटिगुमेंट एब्सेंट है। ओव्यूल विद मोर देन टू इंटिगुमेंट इज कॉल्ड सुपर न्यूमरी इंटिगुमेंट, मतलब दो से ज़्यादा इंटिगुमेंट अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको सुपर न्यूमरी इंटिगुमेंट कहेंगे। फंक्शंस की बात करें इंटिगुमेंट की, तो सम इंटिगुमेंट पोजेस स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो स्टोमेटा किस में, सॉरी क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। तो जो इंटिगुमेंट है वो किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में। इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंटिगुमेंट डेवलप स्पेशल न्यूट्रिटिव सेल, जो इनर मोस्ट सेल है इंटिगुमेंट का वो स्पेशल न्यूट्रिटिव सेल डेवलप करता है, जिसको कहेंगे इंटिगुमेंट्री टेपिटम और एंडोथीशियम, जो रिच होती है फैट में एंड स्टार्च में। माइक्रोपाइलेंट की बात करते हैं, ये देखिए ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलेंट है, और ये जो दो हैं ये इंटिगुमेंट्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोपाइलेंट की, इधर की बात कर रहे हैं। इंटिगुमेंट डू नॉट कम्प्लीटली इन्वेस्ट न्यूसेलेट बट लीव ए नैरो पैसेज एट द एपेक्स। जो इंटिगुमेंट है वो कम्प्लीटली इन्वेस्ट नहीं होती, कम्प्लीटली न्यूसेलेट को सराउंड नहीं करती है, वो एक नैरो पैसेज छोड़ देती है एपेक्स पे, उसको कहेंगे माइक्रोपाइल। ये देखिए माइक्रोपाइल, यूजुअली इनर इंटिगुमेंट फॉर्म माइक्रोपाइल, जो इनर इंटिगुमेंट है वो फॉर्म करती है माइक्रोपाइल। देखिए ज़्यादा छोटी है, आउटर फिर भी लॉन्ग आ रही है, तो जो इनर इंटिगुमेंट है उससे फॉर्म होगा माइक्रोपाइल। व्हेन बोथ इंटिगुमेंट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोपाइल, अगर दोनों इंटिगुमेंट परफॉर्म कर रही है पार्टिसिपेशन माइक्रोपाइल फॉर्मेशन में, तो जो पार्ट फॉर्म करा जाएगा आउटर इंटिगुमेंट से उसको हम कहेंगे एक्सोस्टोम, और जो पार्ट फॉर्म करा जाएगा इनर इंटिगुमेंट से उसको हम कहेंगे एंडोस्टोम। यहाँ पे आपको सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अब ये देखिए माइक्रोपाइलेंट, ये आउटर इंटिगुमेंट, ये इनर इंटिगुमेंट। यहाँ पे देखिए न्यूसिलस प्रेजेंट है, ये जलाजल एंड है। यहाँ पे ऊपर की साइड जलाजल की साइड एंटीपोडल सेल होंगे, ये सेंट्रल न्यूक्लियाई हो गई। यहाँ पे दो साइड में सिनर्जिड और बीच में एक्सेल होगा, ये कंप्लीट एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। और यहाँ पे फनिकल, और यहाँ पे हाइलम, और ये प्लेसेंटा। अब आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ अदर स्ट्रक्चर्स की जो ओव्यूल से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि ऑब्ड्यूरेटर। एनी ओव्यूलर स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड द माइक्रोपाइल, कोई भी ओव्यूलर स्ट्रक्चर जो हेल्प करे पोलन ट्यूब की ग्रोथ को और उसको डायरेक्ट करे टुवार्ड द माइक्रोपाइल, उसको ऑब्ड्यूरेटर कहेंगे, ठीक है। पोलन ट्यूब की ग्रोथ को माइक्रोपाइल की साइड करे, डायरेक्ट करे, उसको ऑब्ड्यूरेटर कहेंगे। अब हम बात करें हाइपोस्टे एंड एपिस्टे की। एक ग्रुप ऑफ लिग्निफाइड न्यूसेलर सेल बिलो एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के बिलो जो लिग्निफाइड न्यूसेलर सेल प्रेजेंट है वो फॉर्म करेंगे हाइपोस्टे। एक ग्रुप ऑफ लिग्निफाइड न्यूसेलर सेल अबो एम्ब्रियो सैक वो फॉर्म करेंगे एपिस्टे के। फंक्शंस की बात करें तो जो एक्ट एज बाउंड्री फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक, ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक के लिए बाउंड्री बनाता है, हेल्प इन रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल और प्रोड्यूस सर्टेन एंजाइम एंड हार्मोन, जो सर्टेन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स हैं प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल की। देर आर सिक्स टाइप ऑफ ओव्यूल्स, यहाँ पे जो ओव्यूल है हम सिक्स टाइप के ओव्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला है वो है ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस ओव्यूल, सेकंड इज एनाट्रोपस ओव्यूल, नेक्स्ट इज हेमी एंड एनाट्रोपस और कह सकते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल, फोर्थ इज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, फिफ्थ इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल एंड सिक्स्थ इज सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पे मैंने छः के छः ओव्यूल्स की पिक्चर लगा दी है, हम एक एक के बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस ओव्यूल के बारे में बात करते हैं। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट एंड ट्रोपस का मतलब होता है टर्न। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज इरेक्ट और स्ट्रेट, जो बॉडी है ओव्यूल की वो स्ट्रेट रहेगी। द हाइलम चलाजा एंड माइक्रोपाइल लाइन इज स्ट्रेट लाइन, जो हाइलम है चलाजा है माइक्रोपाइल है वो स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, एग्जाम्पल पॉलीगोनम, ये इसको इटैलिक्स में कर लेना, ये रह गया यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है जो चलाजल है फनिकल है और माइक्रोपाइल है वो तीनों एक ही लाइन में है, और जो ओव्यूल है वो इरेक्ट है, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं माइक्रोपाइल चलाजल और फनिकल तीनों एक लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में, और ये जो ओव्यूल है ये इरेक्ट है, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। नेक्स्ट जो है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल, एना का मतलब बैकवर्ड और अप और ट्रोपस का मतलब टर्न।
द बॉडी ऑफ ओव्यूल बिकम कम्प्लीटली इन्वर्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ड्यू टू 180 डिग्री कर्वेचर ऑफ फिनिकल. जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो इन्वर्टेड हो जाएगी ड्यू टू ठीक है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ड्यू टू 180 डिग्री कर्वेचर ऑफ फनिकल. फनिकल के 180 डिग्री कर्वेचर से बॉडी जो है ओव्यूल की वो इन्वर्टेड हो जाएगी. देखिए पहले स्ट्रेट था ना पीछे वाने में, अब 180 डिग्री हुआ तो ये ऐसे हो गया है, इन्वर्टेड हो गया है. माइक्रोपाइल लाइव वेरी क्लोज टू हाइलम. जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम के पास आ गई है. माइक्रोपाइल एंड चलाजल कम टू ए लाइन. माइक्रोपाइल और चलाजल जो है वो एक लाइन में आएंगे. गैमियोपेटली मेंबर्स में होगा ये. ये डायग्राम देख सकते हैं या इधर साइड में डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पे ऑल पार्ट्स दिखाए हुए हैं. एंटीपोडल हैं, एम्ब्रियो सैक है, सेंट्रल सेल हैं, एग सिनर्जिड सेल भी दिखाया है, चलाजल और ये भी दिख रहा है. देखिए जो हमारा माइक्रोपाइल एंड है वो क्या है, हाइलम के बिल्कुल पास आ गया है और चलाजल और माइक्रोपाइल स्ट्रेट लाइन में है और फनिकल की ग्रोथ की वजह से 180 डिग्री ग्रोथ की वजह से ये इन्वर्टेड हो गया है. नेक्स्ट इज हेमी एनाट्रोपस और हेमीट्रोपस ओव्यूल. इसमें क्या होता है, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज ट्विस्टेड हाफ वे. इसमें 90 डिग्री घूम जाती है सो दैट इट प्लेस ट्रांसवर्टली एट राइट एंगल टू फनिकल. अब 90 डिग्री घूमी है तो राइट एंगल हो जाएगा फनिकल से. ठीक है, माइक्रोपाइल एंड चलाजल लाइन स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे भी माइक्रोपाइल और चलाजल तो स्ट्रेट लाइन में है. 90 डिग्री की वजह से ऐसा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा फनिकल के. एम्ब्रियो सैक इज स्ट्रेट बट हॉरिजॉन्टल. एम्ब्रियो सैक जो है स्ट्रेट है पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया है. ये माइक्रोपाइल एंड हो गया, ये चलाजल एंड हो गया. रेनिकुलस में मिलेगा ये. अब हम बात करते हैं कैम्फाइलोट्रोपस की. कैम्फाइलोट्रोपस में का मतलब है, कैम्फाइलोस का मतलब है कर्व. द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कर्व और बेंट राउंड. यहाँ क्या होगा, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो कर्व हो जाएगी या बेंट डाउन हो जाएगी. लेस देन एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल से लेस. ठीक है, सो दैट द माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द बेस ऑफ फनिकल. तो क्या होगा, जो माइक्रोपाइल है वो फनिकल के बेस की साइड डायरेक्टेड हो जाएगा. देखिए यहाँ पे जो माइक्रोपाइल है वो फनिकल की साइड डायरेक्ट हो गया है. माइक्रोपाइल एंड चलाजल डू नॉट लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन. अब जो यहाँ पे माइक्रोपाइल और चलाजल है वो सेम लाइन में नहीं है, उन्हें सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे. एम्ब्रियो सैक इज स्लाइटली कर्व. एम्ब्रियो सैक जो है वो स्लाइटली कर्व हो जाएगा. दिख रहा है आपको, ये लेग्यूमिनोसी में होगा. नेक्स्ट इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल. यहाँ क्या होगा, द कर्वेचर ऑफ ओव्यूल इज वेरी मच प्रोनाउंस सो दैट इट बिकम हॉर्स शू शेप. जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाएगा, इससे क्या होगा हॉर्स शू शेप का दिखेगा हमें. देखिए द एम्ब्रियो सैक आल्सो बिकम कर्व. और जो एम्ब्रियो सैक है वो भी क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा. देखिए कर्व हो गया, यहाँ पे हॉर्स शू शेप का दिख रहा है आपको ओव्यूल. द एम्ब्रियो सैक आल्सो बिकम कर्व. तो ये देखिए एम्ब्रियो सैक भी कर्व हो गया है. ब्यूटोमेसी या एलिमेसी फैमिली में मिलेगा. देखिए ये न्यूसेलस है, ये एम्ब्रियो सैक कर्व हो गया है. इंटीग्यूमेंट्स हैं ये फनिकल, ये माइक्रोपाइल और ये चलाजल. ये भी अब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है. और ये देखिए ओव्यूल जो है वो कैसा हो गया है, हॉर्स शू शेप का हो गया है. नेक्स्ट इज सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल. यहाँ पे क्या होगा, न्यूसेलस एंड द एक्सिस आर इन द सेम लाइन इन द बिगनिंग बट ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑन वन साइड द ओव्यूल बिकम एनाट्रोपस. न्यूसेलस और जो एक्सिस हैं वो सेम लाइन में होंगी बिगनिंग में, पर रैपिड ग्रोथ हो जाएगी वन साइड में, द ओव्यूल बिकम एनाट्रोपस. अब ओव्यूल क्या हो जाएगा, एनाट्रोपस हो जाएगा. द कर्वेचर कंटिन्यू फर्दर, कर्वेचर फर्दर कंटिन्यू रहेगा एंड द माइक्रोपाइल अगेन पॉइंट अपवर्ड. और जो माइक्रोपाइल है वो अपवर्ड आ जाएगा. ये देखिए फर्दर ग्रोथ की वजह से क्या हो गया है, ये जो माइक्रोपाइल है ये अपवर्ड पोजिशन में आ गया है. फनिकल बहुत लॉन्ग हो जाएगा और कम्प्लीटली एनसर्कल कर देगा ओव्यूल को. यहाँ पर फनिकल इतना लॉन्ग हो गया है कि इसने क्या कर दिया है, जो ओव्यूल है उसको कम्प्लीटली एनसर्कल कर दिया है और जो माइक्रोपाइल है वो ऊपर आ गया है. एग्जाम्पल ओपेंशिया दोनों पिक्चर में आपको दिख रहा है. माइक्रोपाइल एंड ऊपर आ गया है, चलाजल एंड जो है वो फनिकल के पास आ गया है. ठीक है, न्यूसेलस एक्सिस और ये जो हैं लाई तो स्ट्रेट लाइन में ही कर रहे हैं, पर जो ओव्यूल है वो क्या हो गया, एनाट्रोपस हो गया है और फनिकल की लोंग की वजह से फनिकल कम्प्लीटली एनसर्कल कर लेगा ओव्यूल को. यहाँ पे मैंने फिर से एक बार लगा दिए हैं 6 के 6 ओव्यूल्स की पिक्चर. ऑल दी 6 ओव्यूल्स डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. एट्रोपस कैसा दिखता है, एनाट्रोपस कैसा दिखता है, एम्फीट्रोपस कैसा दिखता है, हेमी एनाट्रोपस, कैम्फिलोट्रोपस, अब ये सारे आपको दिख रहे हैं.
अब हम बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। ये मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होता है ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। अर्ली जो डेवलपमेंट होता है ओव्यूल का, तब स्टार्ट होता है एट द एपेक्स ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस के एपेक्स पे ए सिंगल हाइपोडर्मल सेल डिफरेंशिएट एज आर्की स्पोरियल इनिशियल। न्यूसिलस के एपेक्स पे हाइपोडर्मल जो सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं आर्की स्पोरियल इनिशियल्स में, डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग। ये जो आर्की स्पोरियल इनिशियल हैं सराउंडिंग से डिफरेंट होते हैं, इनका साइज लार्ज हो जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है और जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें टेनी न्यूसिलेट ओव्यूल में, आर्की स्पोरियल सेल डायरेक्टली फंक्शन करते हैं मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। हाइपोडर्मल सेल डिफरेंशिएट होकर आर्की स्पोरियल सेल बना रहे थे, अब वो डायरेक्टली फंक्शन करेंगे मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। पर इन क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल में क्या होते हैं, जो आर्की स्पोरियल सेल्स हैं वो डिवाइड होंगे पेरिक्लाइनली और फॉर्म करेंगे आउटर में पेराइटल सेल और इनर में स्पोरोजिनस सेल। अब जो इनर स्पोरोजिनस सेल हैं वो डायरेक्टली बिहेव करेंगे एज ए मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम डबल एम सी भी कह सकते हैं, एम एम सी। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर की, मेगा स्पोर के डेवलपमेंट की बात करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। जो प्रोसेस है मेगा स्पोर डेवलपमेंट की फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, उसको हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो आपको लिखना है डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये होता कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। अर्ली स्टेजेस में हुआ है, ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल हुआ है, एपेक्स हम बात कर चुके हैं जो एपेक्स ऑफ न्यूसिलस है। एपेक्स ऑफ न्यूसिलस में जो सिंगल हाइपोडर्मल सेल थे वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे आर्की स्पोरियल में। देखिए जो यहाँ पे हाइपोडर्मल सेल था वो डिफरेंशिएट हो गया है आर्की स्पोरियल सेल में, ठीक है। अब जो आर्की स्पोरियल सेल है, अगर क्रेसी न्यूसिलेट की बात करते हैं, तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा पेरिक्नाइली और फॉर्म करेगा आउटर पेराइटल सेल और इनर स्पोरोजिनस सेल। अब जो इनर स्पोरोजिनस सेल है वो वर्क करेगा एज ए मेगा स्पोर मदर सेल। ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा है ना, अभी पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा है। अब क्या होगा, यहाँ तक कहाँ अभी बात करते हैं, इसमें यहाँ हो चुके हैं, यहाँ पे आपको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल दिख रहा है, ठीक है। अब जो स्पोरोजिनस सेल है वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह वर्क करेगा। डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर हम पढ़ चुके हैं मेगा स्पोरोजिनेसिस होगा। जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो जो क्या है, लास्ट सेल है स्पोरोफिटिक जनरेशन इन एंजियोस्पर्म। मेगा स्पोर मदर सेल जो है, जो एमएमसी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो क्या है, लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इन एंजियोस्पर्म है, ठीक है। जो डिप्लोइड मदर सेल है वो क्या करेगा, साइज में एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, एनलार्ज इन साइज एंड अंडरगो म्योसिस में जाएगा और फॉर्म करेगा टैटर्ड, ठीक है, फॉर्म टैटर्ड ऑफ फोर हैप्लोइड मेगा स्पोर, ठीक है। जो हमारा स्पोरोजिनस सेल है, जो डिप्लोइड मदर सेल है, वो क्या करेगा, साइज में एनलार्ज होगा, ये आपको दिख रहा है, साइज में एनलार्ज होगा और क्या करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा और टैटर्ड की फॉर्मेशन करेगा। टैटर्ड में फोर हैप्लोइड सेल होंगे, फोर हैप्लोइड मेगा स्पोर होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये एनलार्ज हो गया है, डिवाइड होगा और क्या फॉर्म करेगा, फोर टैटर्ड बना दिए हैं, ठीक है। तो स्पोरोजिनस सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा एज ए मेगा स्पोर मदर सेल, यहाँ पे डिवाइड होगा एनलार्ज होने के बाद और ये क्या फॉर्म करेगा, टैटर्ड फॉर्म करेगा, टैटर्ड 1 2 3 4 सेल बन गए। मियोसिस हुआ है तो सारे हैप्लोइड होंगे, तो फोर हैप्लोइड बना लिए इसने मेगा स्पोर, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, लीनियर टैटर्ड फॉर्म होता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, टी शेप कह सकते हैं, टी शेप भी फॉर्म हो जाता है, लीनियर भी फॉर्म हो जाता है, टेट्राहेड्रल भी बन जाता है, आइसोबायलेटरल भी बन जाता है। ये शेप्स होती हैं, अरेंजमेंट होती है मेगा स्पोर की। जो अभी हमें इस पिक्चर में जो अरेंजमेंट दिख रही है वो लीनियर अरेंजमेंट है। हमने माइक्रोस्पोर में भी अरेंजमेंट की बात की थी, टेट्राहेड्रल आइसोबायलेटरल टी शेप, आप वहाँ से देख सकते हैं।
हम यहाँ पे लीनियर शेप ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, जो 4 मेगास्पोर हैं लीनियर टेटर्ड में, अब इसमें क्या होगा, जो 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ 1 जो है वो फंक्शनल रहेगा। अब कौन सा रहेगा, जो लोवेस्ट है, जो टुआर्ड द चलाजल एंड है, जो चलाजल एंड की साइड होगा वो फंक्शनल रहेगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, ठीक है। 4 बने थे मेगास्पोर, उसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, जो चलाजल एंड की साइड जो रहेगा वो फंक्शनल रहेगा, बाकी डीजनरेट हो जाएंगे। ऐसे मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी, ऐसे मेगास्पोर की डेवलपमेंट होगी मेगास्पोर मदर सेल से। मैं फिर से बता देती हूँ आपको क्या होता है, जो न्यूसेलस में जो हाइपोडर्मल सेल होता है वो आर्किस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा। आर्किस्पोरियल सेल में, आर्किस्पोरियल सेल जो है क्रेसी न्यूसेलेट ओविल में क्या होगा, 2 में डिवाइड होगा पेरिकनाइली, आउटर वो पेराइटल सेल बनाएगा, इनर स्पोरोजिनस सेल बनाएगा। अब जो स्पोरोजिनस सेल है वो डायरेक्टली बिहेव करेगा एज ए मेगास्पोर मदर सेल, साइज़ में एनलार्ज हो जाएगा स्पोरोजिनस सेल। देखिए पेराइटल सेल अपने आप डिवाइड हो रहा है, वो लेयर्स बना रहा है, उसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मेगास्पोर मदर सेल पे ध्यान दीजिए। स्पोरोजिनस सेल साइज़ में एनलार्ज होगा, अपने आप को एज ए MMC मेगास्पोर मदर सेल बिहेव करेगा। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, म्यूटिक डिवीज़न करेगा, म्यूटिक डिवीज़न से 4 बनते हैं, तो यहाँ पे 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो गई, टेटर्ड 1 2 3 4 मीन्स टेटर्ड, टेटर्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब जो टेटर्ड बने हैं उनमें से अपर वाले 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ जो चलाजल एंड पे रहेगा वो फंक्शनल रहेगा, तो ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर लास्ट में बचेगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ऐसे ही डेवलपमेंट होती है मेगास्पोर में, ये सारी कंप्लीट प्रोसेस है। थैंक यू।